तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करूँ सारे ठीक होंगे। और मैं आज जम्मा भी ठीक को नहीं, क्योंकि मेरा पेट रात का बहुत जोर का दुख है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाने की कही थी, वो भी करवा लिया। उसमें मेरा आई थी पथरी, वो भी पित्त की थैली में है। तो रात का तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग रहा है, और हाथ पाया में बहुत ज़्यादा दर्द हो है ना। मैंने रोटी खाई है, 6-7 दिन हो गए अभी हो रहा। और मैं जाऊँ इस आर दवाई लेन, आ रही है जाऊँ दादी पोता खेत में स्प्रे करने खातर। तो अभी आज स्कूल कौन गया कि मम्मी तू इस आर जाओगी ना, तो मैं स्कूल कौन जाऊँ। इसने तो बहाना चाहिए बस ना जान का, तो इसने बहाना मिल गया। और आज इस खातर मैंने इस आर जाऊँगी तो स्लेट लेनी है जो ऑटोमेटिक मिट जाएगा। मेरी माँ बुलावा है जब तद बाय बिटू। हम जाऊँ इस आर डॉक्टर ने दिखाने खातर कि भाई डॉक्टर के बताओ है। मेरे अल्ट्रासाउंड देख के बैल में तो दिखा दिया था, उन्होंने तो बोल दिया था भाई इस आर दिखा लो। तो आज ही सार जावा है मैं। सो गर्मी तो कसुत्ती हो रही है, हर 10 बज रहे हैं। मेरी माँ का तो बेचारी का घना काम भी पड़ा है, क्योंकि सवेरे सवेरे तो जल्दी उठा ना जाओ है। मामी जल्दी कौन उठा करा, 6 बजे उठा करा मेरी माँ भी। तो 6 बजे उठी होगी, मैंने आज की मैं कर आई कौन, क्योंकि मैं तो 2-3 दिन तक मैं कौन करूँ। 10 दिन हो गए मैंने रोटी अन्न पानी खाई, फिर भी मैं 7 दिन तो सारा काम जो मैं कराया करूँ ना वो मैंने कराया है, लेकिन 2 दिन तो मेरी जम्मू अभी हिम्मत को नहीं। मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं 2 दिन तो उठा कौन करूँ, बस आज ना ही हूँ सिर धोया है ना मैं उठाया कौन करूँ, बस खाट में पड़ी रहा करूँ। इतना जोर का दर्द हो रहा है फिर पथरी का दर्द, तो आप लोग भी समझ सको कितना जोर का होंदा होगा। तो उठने की तो हिम्मत है कोनी, तो मैं रसोक जावांगे तो बाइक पर जाने की भी हिम्मत कोनी। मैंने को बस में चलांगे, देखो भी हो बस में जाओगा तो इसको उल्टी लागेंगे। तो ये मेरे तक खड़ा भी कौन रही जाए इतनी देर। मैं पूरे दिन धूप में भी काम कर सकया करती, मेरा इतना कुछ को नहीं होया करता। अरे ईब तो मेरी हिम्मत ही को नहीं। ये सूट मैं ईब गाम ते ले आई थी, वो सूट है सच्ची मैं अपना बताना भूल गई। ईब की बार गाम ते ले आई थी ना वो है सूट, मैं काल परसों ही ले आई हूँ, टेलर नहीं पाए। और वन बोली तू तो बहुत माड़ी हो रही है, मैंने पैर की देखा ना। तो वहाँ दीदी बोली कि आप तो बहुत पतले हो रहे हो, उसने फिटिंग का टाका मार के दिया। उसके बाद मैं तो इतना लू जोर दिखा हुआ देख लो, तो भी मैं जमा पतली होगी। मेरे 5 किलो वजन घट गया है 10 दिन में ही, लगती तो वो नहीं होंगी लेकिन मन ने मेरा पट्टा है। तो अशोक भी तैयार हो लिया है, वो बेरा गुनी केक रहा है। मेरी माँ मेरे पापा सारे गए खेत में, और रात ने उस पड़ा है। तो मेरी माँ नाड़े सुखा रखे बारी बारी काटी है, बस मेरी माँ ने बैसान पानी मेरे पापा पे आया है। अशोक भी तैयार हो लिया है, आप आई सार चल आने का बैल दिखाओगी सार ने। सार जावा ही सार जाए, बस बेरा पड़ेगा डॉक्टर के का होगा के ना का होगा। तो चल आ भी चलो, बहुत लेट हो गया, 9-10 बजे। चलो तो 9:30 हो गए। तो मैं आ गई हॉस्पिटल में। आसू मन पहला था हॉस्पिटल में आ रही थी, चूड़ामणि मिल रही है या चूड़ामणि मत ले आई है। और मेरी माँ आज आई को नहीं, कल तो बात हुई थी, मैं माँ बेटी को दोनों आवाँगे। आज ही आई अगले आई है, मेरी माँ आई को नहीं। तो यार कहूँ तो थी भाई मैं चल जा, तू भी मेरा बेरा को नहीं भाई, आज ऑपरेशन होगा को नहीं होगा। फिर यार बोली ना मैं तो थोड़ी देर थी नाले मैं चल जाऊँगी, देर तब मिल लूँगी। तो यार रुक गई इसने हॉस्पिटल का कौन बेरा था बेचारी, पहले की तान नहीं गई फिर सम गई ई मिले। हाँ ये बाकी बस बैठे हाँ, पर्ची पर्ची कटाई को नहीं है। अशोक आड़ा खड़िया है, दिखा ही को नहीं साफ, चुंदा लग गया। तो अशोक पीछे खड़िया है, बैठे हैं दिखा डॉक्टर के का होगा। फिर यार मेरे दो रहोगे मेरे साथ, चलना नहीं फिर आज तो कम चल जाएंगे क्या जब डॉक्टर एक तो देख के करेगा। हाँ छोरा स्कूल में जाएगा मेरा, वो होगा मम्मी बिना वो पड़े मम्मी का। हम बाबन कर दानू कही है, स्लेट ले आती हूँ ऑटोमेटिक आदमी तो रहूँगा नहीं रहूँ को नहीं। तो उसकी स्लेट ले जाके देनी है जानी आनी, मैं स्पेशल कौन बुलाऊंगी। मेरी माँ ने मेरी माँ इसका सिद्धि आओ थी, तो फिर आज मेरी माँ का 5 ज़्यादा दुख था, कल जड़ था ना। तो मेरी माँ जहाँ आई भी को नहीं, मैं कहीं भी को नहीं ज़्यादा भाई माँ जी एक ना जी लोग अगर ऑपरेशन होगा तो तू करना जी, फिर मैं चली जाऊँगी। तो मैं चली जाऊँगी मेरी माँ जाऊँगी। हाँ बोलना मैं नुकू थी मुखा माँ तू ना आइए, मेरा ऑपरेशन दो मेरा दर्द होगा ना, तू ज़्यादा और दर्द करवा देगी। गुस्सा माँ ने गुस्सा आ गया, माँ ने बोली मैं तुम्हें भी टाला कर दी मिले आन की भी मैं जड़ी टाला कर दी बोली आन कर सास आ जाएगी। माँ गुस्सा मैंने बोली तो गुस्सा ही कोई बात को नहीं, मैंने ज़्यादा डर लग गया तेरा आगे ज़्यादा दर्द होगा, माँ का आगे टाबर का ज़्यादा दर्द होगा है ज़्यादा ना टूटी मैं। तो ठीक है मेरी माँ इसकी स्थिति को नहीं आई, तो आज मेरा ऑपरेशन हो जाए तो भी ठीक से तड़का आ जाएगी माँ मेरे तो मिलन, तो डॉक्टर आ जाए फिर बताऊँगी। तो भाई भी इसका बीपी चेक करेंगे एक बारी, बीपी चेक करवा ले है, वजन वजन करेंगे फिर बताऊँगे। इसको बहुत बड़ी पथरी हो रही है। दो 3 महीने
तो डॉक्टर ने दिखा लिया था, डॉक्टर बोले कि भाई ऑपरेशन होगा, जितना जल्दी कराओ उतना ठीक है। तो भाई अशोक ने तो और भी घनी तावड़ करी, एक गलगोस पूरी भी गुंजड़ हुआ, उससे पहला मेरा ऑपरेशन बोल दिया, फिर मन ले गया ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने सोची अशोक मेरे से ही जाओगा, लेकिन इतना तो मन बेरा भाई कोई कौन जा सकती ऑपरेशन थिएटर में, मैंने बहुत डर लगा था। दो डॉक्टर तो हॉस्पिटल में थे, वे थे, बाकी डॉक्टर मेरा सुन करने खातर बाहर आया और ऑपरेशन खातर भी बाहर आया, और मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो मैंने दो दिन तक चेत भी को नहीं आया था, अगला दिन चेत होया था, मैंने ऑपरेशन थिएटर में तो निकाल के आईसीयू में ले जाए थे। तो मैंने कौन बेरा था मेरा किस तरह ऑपरेशन हुआ है, किस तरह क्यों हुआ, बस थोड़ा सुन करी नहीं, इतना इतना बेरा था। फिर मेरी माँ मेरे तो अगले दिन मिलन आई थी, उस दिन तो सुमन आई थी, एडमिट करवा के चली गई थी। मेरी माँ आई, बस मेरी माँ तो मैं बोल लूँ मन ना कौन बेरा, मैं मेरी माँ तक के बोली हूँ, बस मेरी माँ बोली मेरे से मेरा कोई ध्यान को नहीं, मेरी माँ आई मेरे से के बात करी के ना करी, मेरा सुन हो रही थी। तो मैं दो दिन आई सी मेरा की तरह सुन नहीं सी पड़ी रही, बस एक बार छाती में दर्द हुआ था दो तीन बार, तो अशोक अशोक का नंबर याद था, वो मिलाया था, बस अशोक अशोक ने याद करूँ थी। तो भाई ई मैं आईसीयू में तक कमर में आ गई हूँ, मैंने थोड़ा होश आया है, गुलगोस गलगोस भी बंद कर दी। हाँ ईब तो चढ़ानी सवेरे तो चढ़ाई थी, और मेरा आपने बता दी पथरी का ऑपरेशन होया है, पित्त की थैली मेरे पथरी थी, और 10 दिन तक मैं खाना पीना छोड़ रखा था, बहुत दर्द होया करता। तो जहाँ तक मैं खाँदी को नहीं खाना, मैं 2 दिन तो मैं सुती रही हूँ ऊपर ही, बस वो ऊपर बिस्कुट चा लिया के दिया करता बस, बाकी मैं 5-6 दिन तो बिना रोटी खाए भी काम करया है सारा घर का। फिर मैं जमान तालिया तो मैं सोगी 2 दिन, फिर ये बोले 40 हज़ार दिखा लिया हूँ, तो ये सारा ही तो अल्ट्रासाउंड करवाया, तो डॉक्टर बोलिया कि पत्थरी भी कुएँ भी पार्ट्स का है, तो काल ये मन लेके आए थे परसों ही सार लेके आए। तो फिर डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करवा लो, तो उसने मेरा परसों ही करवा दिया, परसों की बार काल करवाया मेरे तो भाई चेहते को नहीं, परसों शाम ना आए थे, परसों शाम ना मैंने 8 मतलब सुबह आए थे, ऑपरेशन शाम ना आया, 10 बजे मैंने 8 बजे भीतरवाड़ी में रोंदी रोंदी गई। मैं इससे पहले ये लड़ाई करने लग रही थी, मैं ऑपरेशन कौन कराऊँ, रो रो के आँख सुझा रखी थी। फिर मैं 8 बजे अंदर ले गए, मैंने सुमन आ रही थी, सुमन तो चली गई थी, वही था। फिर 8 बजे अंदर ले गए, 10 बजे तक मेरा ऑपरेशन होया होगा, सुन का टिक्का लगाया कमर में पीछे, मैं कसूती रोऊँ कसूती, पाछा मन कौन बेरा मेरे से क्या होया है कि ना होया है, मतलब 5 टक्के आ रहे हैं, आड़ सीत सारा काट रखी है। अशोक था कल मेरी माँ मेरे तक मिलन आई थी, ना मैं मेरी माँ ने दिखाने पाई क्योंकि मैं चेतमा ही कौन थी, मेरी माँ कल आई थी, आज मेरी सासू माँ भी आई थी मेरे दौरे, और सुषम भी आई थी और सुमन भी आई थी, सुषम मेरी खातर ले आई थी दलिया, अशोक मैंने दलिया खुआ, सुषम इतना स्वाद दलिया बना के लाई, ये बाप ने सोचोगे यार सुषम कौन होगी, तो वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये सारे रवे है भाई, इतना अच्छा दलिया बना के लाई है कि बताऊँ अपने, ये मैंने अशोक दलिया खुआन लग रहा था, नुकर रखा है थोड़ा बेड ने ऊपर ने थोड़ा ओंस आया, तो ये मैंने थोड़ा खुआ देंगे। वह आई तो थी दिन में, इतना ओंस तो कौन था, फिर नू ठीक था, बोलूँ तो थी दलिया थोड़ा सा, उसका अग भी खाया था मैंने, थोड़ा हाई खुआ देंगे, बाकी उसका ही फोन आया था, तो मैं बोली दलिया इतना स्वाद है, तो दलिया भेज दिए और दूध भेज दिया, अशोक बार तो दूध लिया जो मैं स्वाद कौन था, तो सुसम भी दूध भेजेगी, दलिया भेजेगी, सुमन भी घर गई, मेरी माँ भी घर पुछली होगी, और अभी की मन याद आव है, अभी ने मेरी याद जमा भी को नहीं आवे, वो पप्पा का लाडला है, पप्पा ने याद बन करे, एक बार भी याद करे तंते छोरे खड़ा करे फोन आए ना फोन को नहीं उसको, नहीं तो बार बार में कराओ। हाँ यह बात भी है, तो फोन हो जब तो वो टीका ही नहीं देने दे रहे हो, तो हर 10 मिनट में फोन। और भाई मैंने छुट्टी कल मिल जाएगी, कल मैं मर कर आ चल जाएगी, और अशोक मेरी पूरी सेवा करना लग रहा है, कल की कुया बैठी करके चाह पिया हुआ है, कुया बिस्कुट खुआ हुआ है, कुया दलिया खुआ हुआ है, कल तो मेरा ऑपरेशन तो पहली 6-7 घंटे और 12-24 घंटे बाद तो कुछ भी कौन खाना ना पानी पीना था, आज ये खाया है मैंने, अनु भी मैं पहला 10 दिन तक खाना पीना छोड़ रखा था, घर भी किमें कौन खाया करती, मेरी कोथड़ी आई थी, मैंने कोथड़ी का किमें भी सामान कौन खाया, मेरी माँ मेरी अगला सामान में है ना दूसरी कोथड़ी दे दी, मामी ने खाई कौन कोथड़ी, सूट देन की टार कर दी, सही खान का सामान पहुँचा दिए दूसरी, क्योंकि हमने कोथड़ी खाई है कौन, मैं बीमार हो गई थी। और आज सुमन मेरे नए लवा टी शर्ट लिया के दिए, या लाल टी शर्ट और पजामा, मेरे कपड़े चेंज करवाए थे, मैं दूसरे कपड़े लेके कौन आई थी, मैंने लागे कौन था भी जान दी ऑपरेशन हो जगह के, तो मैं दूसरे कपड़े कौन लाई सलवार कुर्ते पहन के आई थी, सुमन ने मेरे लवा टी शर्ट लिया दिए, तो इसने भी कपड़े चेंज कर लिए थे, माँ लाई थी आज कपड़े इसके घर तक, क्योंकि हॉस्पिटल में नू गंदा सा फिर होने लग गया, तो ना ही बहने कितने दिन हो गए, मेरे तो आपका नू लग कोलगेट के बहने कई दिन हो गए, जो मुँह को सुत्ता भरी हो रहा है, आनू लग मैं काला सका रही हूँ, वैसे तो मैं 10 दिन हो गए रोटी खाई, काला तो आख्या नीचे कौन ही थी, अरे तो 2-3 दिन हो गए आड़े भी कौन खाऊँ रोटरा टिकी में भी, तो चलो ये बीमारी कट गई मेरी वो भी ठीक है, जो अगर एकदम कुया मेरी पित्त की थैली पाट जावे
तो मन खेत में तई सार ले आनी बहुत मुश्किल हो जाए सोक ने करवाना तो था जे 5 दिन पाछे करवाने चाहिए करवाने तो जा तो आज बंद दवाइयां मैं पित की थैली में थी दवाइयां तो कटे तो हाथ पुल थी वो बीमारी बढ़ने लग रही थी इतनी बड़ी पथरी निकली है मेरे आपने दिखा दी मैं बीच में दिख गया आपने देखियो ध्यान से और इतनी बड़ी पित की थैली है और इतनी बड़ी पथरी थी तो देख लो इतनी बड़ी पत्थर भीतर में बाकी मैं मेट खाऊँ तो भी मेरी वीडियो देखने वाली हो मेट कोई भी ना खाइयो मैं आज पाछा कदे जिंदगी मेट कौन खाऊंगी मार गरम पड़ी है अशोक ने कह दी हूँ जानती बगा देगा बट मैं झूठ बोल रही पे मांगा दे मैं बचा भी है मेट दे देने ना भाई कौन खाऊं मैं मेट ही पाछे और आप भी कोई भी मेट ना खाइयो सच में बीमारी लाग जाएगी मैं देखो भी तकलीफ हो रही है मैंने भी इतनी सारी पेड़ काट के गिर दिया तो ये बस चाह लिया था मैंने चाह पी है थोड़ी देर पहले घंटे पहले ये थोड़ा दलिया खुआओगा मैंने थोड़ा थोड़ा करके खाना है ना तो उल्टी जैसा लगने लग जाए है तो भी मैंने दलिया खुआऊंगी इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँ मिलाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में वीडियो की सक लगा कॉमेंट करके जरूर बता दियो चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर दियो वीडियो ने लाइक कर दियो शेयर कर दियो।